नमस्कार, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लिटिल माइंड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्ले राइनोसोरस के बारे में, जिसे लिखा गया है यूजेन आईएनएस्को के द्वारा। तो इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, आप एक बार देख लो, नोट कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये वीडियो बाकी वीडियो से कैसे अलग है। पहली चीज, वैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा समरी के बारे में, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है थीम्स, जो कि इसमें क्या क्या थीम्स हैं राइनोसोरस प्ले में, वो थीम्स फासिज्म के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा समरी की, आप डरो मत, मैं हिंट दूंगा। बाकी अगर आपको बिल्कुल डीप में समरी चाहिए, एक्ट वाइज चैप्टर वाइज समरी चाहिए, तो आपको यहाँ पे आई का सिंबल आ रहा है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने ही बनाई है ऑलरेडी वीडियो ये, ठीक है, पहले ही अपलोड की थी ये, या फिर कॉमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके ये लिंक फॉलो कीजिए, देखिए, बिल्कुल एक्ट वाइज चैप्टर वाइज समरी बिल्कुल डीप में दे रखी है मैंने, ठीक है। पहली चीज, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा थीम्स के बारे में, फिर फासिज्म का जो थीम, ऑलरेडी थीम है एक फासिज्म, तो फासिज्म का मतलब जानेंगे, ताकि आप लोग लिंक कर पाओ अगर आपसे पूछा जाए कि ये राइनोसोरस में किस टाइप से जो है इस्तेमाल किया गया, तो आप लिंक कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद एब्सर्डिटी के बारे में जानेंगे, फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है, फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 1959 में जो है पहली बार ये जो है एक्ट, मतलब ये जो राइनोसोरस का जो प्ले है, ये पहली बार 1959 में परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 1945 के बाद लिखी गई है, 1959-45 के बाद आता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है लिखी गई है, तो उसी के बीच में जो है फासिज्म का जो है दौर चल रहा था। आपको पता होना चाहिए कि नाजी या फिर जिसे आप हिटलर वगैरह बोलते हो, वो खुद एक फासिस्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे एक एक करके, मैं आप लोगों को जस्ट एक थोड़ा सा जो है समरी के रूप में बता दूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाओ। अगर आपने पीछे भी वीडियो देख रखी है, नहीं देख रखी है, डजेंट मैटर, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राइनोसोरस क्या होता है, गैंडा। अब गैंडे की प्रवृत्ति क्या होती है भाई, दूसरों को डराना धमकाना, मतलब जनरल सेंस में बता रहा हूँ, मतलब एक ऐसा जानवर होता है जिससे देख के आप डर जाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और मोटी चमड़ी होती है और एक सींग होती है, ये तो जनरल अपीयरेंस हो गया। कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट 2 या 3 मिनट में आपको पूरी बता दूंगा स्टोरी, डीप के लिए तो मैंने बताई दी आपको उपाय, ठीक है। तो होता क्या है कि जीन और बैरेंजर दो दोस्त मिलेंगे आपको स्टार्टिंग ऑफ द नोवेल में। बैरेंजर जो है एक पियक्कड़ है, जिसे रहने सहने ना पहनने का ढंग है ना कुछ, ना अपने कंघी का रखा होता है, दाढ़ी बढ़ा रखी होती है, ठीक है। और एक बैरेंजर जो होता है, बैरेंजर के बारे में बता दूं मैंने, जीन जो होता है उसका फ्रेंड होता है, बिल्कुल ही फिट फाट रहने वाला, टाई वगैरह लगा के कॉम करके अपने हेयर को, तो ये सारा है दोनों के बीच में। अब दोनों मिले हैं बहुत दिनों बाद, एक जगह में मिले, रेस्टोरेंट टाइप में समझ लो मिले हैं, ठीक है। बातचीत चल रही होती है कि बैरेंजर तुम इतने गंदे हो वगैरह वगैरह, तो इसी बीच में जो है एक शहर में गैंडा पास हो रहा होता है। अब गैंडे के कारण जो है तहलका मच जाता है पूरे शहर में कि गैंडा कहाँ से आ गया शहर में गैंडा कहाँ से आ गया, ये लोगों के बीच में हो जाता है। बैरेंजर और जीन के बीच में बहस चलती है कि जू से आया होगा, कोई कह रहा है भाग गया होगा कहीं से, तो फिर ये बोलता है कि जीन बोलता है कि हमारे तुम बैरेंजर तुम तो पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि जू वगैरह बंद हो गए हमारे शहर में, तो ये सारी चीज़ें बोलता है, कहता है तुम तो दिन भर शराब में डूबे रहते हो, तुम्हें थोड़ी ना पता लगेगा, होशो आवाज तो ही नहीं तुम्हें कुछ। तो ये बहसबाजी चलती रहती है इन दोनों के बीच में। होता क्या है कि अब और एक गैंडा निकलता है वहाँ से, अब इनके बीच में फिर डिबेट छिड़ती है कि एक सूंड वाला था, मतलब एक सिंग वाला था कि दो सिंग वाले थे, ठीक है। तो ये डिबेट चलती रहती है। डेजी पास होती है वहाँ से। अब डेजी कौन है, एक लड़की है जो कि बैरेंजर के ऑफिस में ही काम करती है। बैरेंजर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है इससे, बट कभी ये नहीं बोल पाता उससे, क्यों, क्योंकि बैरेंजर को लगता है कि वो एक ऐसे लड़के से या फिर ऐसे इंसान से क्यों प्यार करेगी जो कि ना पैसे हैं जिसके पास, ना ही रहने सहने का ढंग है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, मैंने कहा कि पैसे भी नहीं है ना रहने सहने का ढंग है, ये चीज़ आपको अभी मैं बताऊँगा कि कैसे मैं आप लोगों को जो है एक मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो जस्ट सुनते रहिए स्टोरी। तो उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे, अब कहानी को मैं बिल्कुल रैप कर देता हूँ, ज़्यादा मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, बता नहीं रहा। तो बहसबाजी चलती रहती है इसी गैंडे के बीच में। धीरे धीरे शहर के जितने भी लोग होते हैं वो गैंडे में तब्दील हो जाते हैं, यहाँ तक कि बैरेंजर और डेजी जब अपने लव को जाहिर कर भी लेते हैं, जब पूरी इनकी जो कम्युनिटी है वो पूरा ही चेंज हो जाता है गैंडे में, सिर्फ ये दोनों बचते हैं, डेजी और बैरेंजर। डेजी भी बाद में चेंज हो जाती है, बैरेंजर अकेला रह जाता है स्टोरी में, जो गैंडा नहीं बनता। वो कहता है कि मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं घुटने नहीं टेकूंगा इन लोगों के सामने, या फिर जो ये गैंडे बन गए मैं इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा, और जो मेरी इंडिविजुअलिटी है मैं उस पर खड़ा रहूंगा, 100% मैं खड़ा रहूंगा, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं नहीं बनने वाला चाहे कुछ कर लो,
ठीक है, मैं गेंडा नहीं बनूंगा। तो एट द एंड में सारे गेंडे बन जाते हैं एक्सेप्ट बेरेंजर, और वो अकेला रहता है। ठीक है, बाय द वे वो जिम्मेवारी लेता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि सब लोग ठीक हो जाएं, बट कोई सुनता नहीं है इसकी। लास्ट में यही बचता है जो कि गेंडे में तब्दील नहीं होता। अब ये आपको बात जो है बेतुकी लगी होगी, जिसे आप बोलते हो एब्सर्ड इंग्लिश में। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुकी। दैट्स वाई आई सेड ना कि एब्सर्डिटी है इस प्ले में। तो एब्सर्डिटी क्या होती है ये सारी चीज़ें मैं आपको लोगों को बताऊंगा अभी। तो आपको ये पता लग गया ना, अब आपको समरी पता लगी थोड़ी सी जो कि मैं हिंट के रूप में देना चाहता था। अब आ जाओ थीम्स पे। मैंने एक चीज़ कही थी आप लोगों को कि पैसे नहीं है, इससे मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन दूंगा। तो पहला थीम इसी के बेस पे है। एक थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है अपना। थीम्स ऑफ प्ले राइनोसोरस, इंडिविजुअलिटी के थीम। इंडिविजुअल, देखो आज के ज़माने में ये बोलना कि इंडिविजुअलिटी है रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे वाला बंदा आपको ये बोल देता है कि तेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तो जस्ट यू ट्राई टू मेंटेन योर हेयर। ठीक है, अपने हेयर को आप इधर उधर करने लगते हो। क्यों? आपने उसकी बात सुनी, आपने बिल्कुल भी ये दिमाग नहीं लगाया कि आपकी इंडिविजुअलिटी पे उस बंदे ने अटैक कर दिया। आप दूसरों की बात सुन रहे हो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंडिविजुअलिटी नाम की चीज़ बची नहीं है। ठीक है, हम दूसरों की बातों से प्रभावित होते जा रहे हैं, ये चीज़ आपको इस नॉवल के थ्रू से आपको देखने को मिलेगी। फॉर दी एग्जाम्पल, लेट से कि जब ये दोनों बातें कर रहे थे बेरेंजर और जीन, तब जीन ने समझाया उसको कि तुम यार गंदे रहते हो, फिर तुम चाहते हो कोई डेजी प्यार भी करे तुमसे। तो बेरेंजर चाहता है कि फिर मैं बदल जाऊँ। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कोई आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहा हो और फिर बदलना चाहिए, मानता हूँ। लेकिन एक इंडिविजुअलिटी जो होती है आपकी खुद की चॉइस, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये नहीं कि कोई आपको पागल बना के चला जाए और आप मान जाओ। ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है ये चीज़? अब आप कहोगे पेरेंट्स भी तो हमें सलाह देते हैं, तो हम उनकी ना माने, हम अपनी माने, तो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल व्यू में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि लेट से नाजीज़म जब फैला जर्मनी में, तो जर्मनी के लोग रोक सकते थे, वो बोल सकते थे हिटलर को कि तुम क्यों ज्यूज़ को मार रहे हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। बट कभी भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। ज्यूज़ मारे जा रहे हैं तो उल्टा उन्होंने देखा, समझ आ रहा है? उल्टा उन्होंने देखा, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो वहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो है हर्ट हो गई। ठीक है, सिमिलरली कोई एक ऐसा नेशन ले लो जहाँ पे आवाज़ दबाई जा रही है। लेट से चाइना ले लो, चाइना में मान लो कि आवाज़ दबाई जा रही है लोगों की, लोगों को उभरने नहीं दिया जा रहा, उनको उनकी बात कहने नहीं दिया जा रहा, तो दैट इज़ इंडिविजुअलिटी पे अटैक, राइट? Perhaps the most important theme of the play, individuality drives the central anti-rhinoceros metaphor. देखो, rhinoceros का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था rhinoceros कैसा है, एक हिंसक टाइप का जानवर है जो कि किसी की सुनता नहीं है, ठीक है, और दूसरों को हर्ट करता है। तो similarly, rhinoceros जो है एक metaphor है उस power का, उस power का, कौन सी power का? अगर China की बात करूँ तो China की regime का जो कि लोगों की आज़ादी छीन रहा है, लोगों को एक्सप्रेस करने से जो है मना कर रहा है, जो कि जो छीन रहा है उसकी पावर को। जर्मनी की अगर बात करो तो हिटलर को आप कह सकते हो कि हिटलर जो एक राइनोसोरस था अकॉर्डिंग टू द प्ले। कैसे? क्योंकि हिटलर ने जो है लोगों की लिबर्टी को, लोगों की जो इक्वालिटी है, लोगों की जो एक्सप्रेशनिस्ट जो विचारधारा है उसको जो है अटैक किया था। किसने? एक्सप्रेशंस के लोगों को जो है छीन लिया था। किसने? हिटलर ने। तो एक राइनोसोरस की ही भांति है ये, मतलब राइनोसोरस की टाइप का ही कह सकते हो कैरेक्टर था हिटलर भी। क्यों? इसने लोगों की जो है इंडिविजुअलिटी पे जो है अटैक किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको इसका मेन कैरेक्टर जो है, आपको स्टोरी में अगर मैं बताऊं तो बेरेंजर जो है एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि एंटी राइनोसोरस है, मतलब वो एक ऐसा बंदा था जिसने राइनोसोरस बनने से मना कर दिया था, तो वो एंटी राइनोसोरस है। और ये एक राइनोसोरस जो है एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर की तरह मैंने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं अपने सेट स्टैंडर्ड रूल्स पे चलो। कौन? बेरेंजर। कभी भी बेरेंजर ने ये नहीं सोचा कि मैं उन लोगों की तरह बन जाऊं कि जो लोग गेंडा बन गए, मैं भी इनकी तरह गेंडा बन जाऊं, इसने कभी नहीं सोचा। जीन बन गया गेंडा, ड्यूडेड गेंडा बन गया, डेजी मतलब राइनोसोरस बन गई, बट राइनोसोरस नहीं बना कौन? अपना बेरेंजर। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी की थीम उभर के आती है कि इंडिविजुअलिटी होना कितना नेसेसरी है। नहीं तो आप भेड़ चाल चलोगे कि ये भी SSC कर रहा है, मैं वो UPSC कर रहा है, मैं भी कर लूँ, अपने पैशन को छोड़ दोगे पीछे, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप अपने इंडिविजुअल थॉट्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, अपने सेट स्टैंडर्ड रूल्स पे आगे जाओ चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, बट करेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी फिर आप करो। तो एक पहला
आपको थीम मिल गया यहाँ पे। तो राइनोसोरस में इंडिविजुअलिटी का थीम आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। इंडिविजुअलिटी को सिर्फ एक ही बंदे ने समझा, वो था बेरेंजर, बाकी तो सारे चेंज ही हो गए थे। अब ये जो चीजें हैं देखो यहाँ पे, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज मार्क्स ऑफ इंडिविजुअलिटी आईएनएस्को जो कि अपने प्लेराइट हैं सजेस्ट आर असेंशियल टू ह्यूमैनिटी। आपके पास होनी चाहिए अपनी इंडिविजुअलिटी, ठीक है। आजकल जो इतने डिबेट छिड़ते हैं कि आधार कार्ड या वगैरह वगैरह जो भी आप कहते हो, ये मेरी इंडिविजुअलिटी पे अटैक है, प्राइवेसी पे अटैक है, तो ये होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आपको बिल्कुल हक होना चाहिए अपनी इंडिविजुअलिटी पे, अगर कोई अटैक कर रहा है तो पूछने का हक होना चाहिए, यही तो खासियत है डेमोक्रेसी की। अब 1959 में जब ये नोवल ये प्ले लिखा गया था, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का दौर था जिसने लोगों को हिला के रख दिया। किस चीज़ के मामले में? कि इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। आप ज्यूस को मार रहे हो, पकड़ के होलोकास्ट कर रहे हो, गैस चैम्बर्स में डाल रहे हो, मार रहे हो, तो कहाँ है उनकी इंडिविजुअलिटी? आपने तो छीन ली। तो ये दोनों फिगर थे, कौन कौन थे ये दोनों देख लो आप। एक मुसोलिनी है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ चला गया। सेकेंड थीम है अपना नाजिज्म का। ये दोनों ऐसे फिगर हैं जो कि फासिस्ट थे, ठीक है। अब फासिस्ट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों, टेंशन मत लो आप लोग। ये है हिटलर, ये है मुसोलिनी। तो नाजिज्म क्या है? नाजिज्म जो है, जो ये नाजिज्म में चेंज हो गया था ये हिटलर अपना, तो एक बार देख सकते हो आप। आईएनएस्को प्ले इज अ ग्रैंड मेटाफर फॉर द नाजी टेक ओवर ऑफ जर्मनी, कि नाजी ने कैसे जो है जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया था। आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे डेमोक्रेसी थी, बट ऐसा अचानक क्या हुआ कि नाजिज्म में कन्वर्ट हो गया। नाजी ने जो है अपनी पूरी पावर जो है पूरी जर्मनी की पूरी पावर हथिया ली और इतना बड़ा होलोकास्ट किया, ज्यूज़ को जो है गैस चैम्बर्स में डाल के मारा गया। तो ये पूरा जो पूरा एक मेटाफर है नाजिज्म का, एक थीम जो भर के आ रहा है, ये भी आप देख सकते हो इस नोवल में, इस नोवल कह रहा हूँ, इस प्ले में, ठीक है। तो आपको होलोकास्ट वगैरह का सारा सीन मिल जाएगा यहाँ पे। अब आप कहोगे कि ये होलोकास्ट कैसे है, नोवल में तो या फिर प्ले में तो कोई नहीं मरा यहाँ पे, ठीक है प्ले में कोई नहीं मरा, लेकिन एटलीस्ट पावर का तो देख ही सकते हो ना कि कैसे जो है सारे लोग जो चेंज हो गए, किस में? गैंडे में, राइनोसोरस में चेंज हो गए। तो आप लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि ये जो है नाजिज्म का जो थीम कैसे लिंक करोगे? तो समझो आप इस चीज़ को, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर इंडिविजुअल थॉट होती उस टाइम पे, जर्मनी के लोगों के पास अगर होती, उनके पास लॉजिक होता, रीजनिंग पावर होती, तो हिटलर को रोक सकते थे, हिटलर के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते, प्रोटेस्ट करते। लेकिन उल्टा हो गया, वहाँ के लोगों ने भी इवन जर्मनी के इस नाजी सपोर्टर यानी कि हिटलर का साथ दे दिया और इतने जो लोग मरे तो कोई दुख नहीं था इन लोगों को, जर्मनी के लोगों को। इन्होंने कभी आवाज़ भी नहीं उठाई हिटलर के खिलाफ। तो ये शो करता है कि लोग जो है, ये सेम चीज़ शो कर रही है यहाँ पे अपने राइनोसोरस प्ले में, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे राइनोसोरस में चेंज होते गए, ठीक है। सिमिलरली उन्हीं लोगों की तरह जो कि जर्मनी में हिटलर को फॉलो करने लगे थे, अंधभक्त जिसे आप बोलते हो वो बनने लगे थे। तो सेम चीज़ नाजिज्म का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए मैच खाता हुआ दिख रहा है, एक मेटाफर की तरह जो है इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉरिफिक ये पूरा बताता है आपको कि कैसे जो है एक हॉरिफिक गवर्नमेंट ने जो है टेक ओवर कर लिया नाजी का, उसके बाद जो है होलोकास्ट के लोगों को मारा। तो ये मैंने चीज़ें तो आपको बताई थी कि कैसे जो है आपको लिंक करना है कि गवर्नमेंट ने लोगों की एक तो आज़ादी छीनी, उसका ब्रेन वॉश किया लोगों का, ठीक है। लोगों की इंडिविजुअलिटी को अटैक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसका ब्रेन वॉश कर दो आप, जो कि हिटलर ने किया था। सेम चीज़ आपको राइनोसोरस में मिलेगा, लोग ब्रेन वॉश होते गए और राइनोसोरस में तब्दील होते गए, कोई बिना लॉजिक लगाए, लॉजिक तो लगाया नहीं लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना थीम उभर के आता है सेल्फ वर्थ। आप ऐसे समझ लो, खुद पे भरोसा, खुद पे यकीन, खुद की थॉट पे जो है पूरा 100% जो अपना भरोसा रखना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ वर्थ, सेल्फ सफिशियंट कह लो आप इसको, ठीक है। फ्रॉम दी ओपनिंग सीन आप देखोगे कि बिल्कुल ओपनिंग से ही आपको एक चीज़ मिलेगी, सेल्फ वर्थ की बात मिलेगी आपको आईएनएस्को की इस नोवल में, इस प्ले में, ठीक है। क्या मिलेगा? बेरेंजर जैसा भी है अपना खुद का एक स्टेटस रखता है, जीन जैसा भी है अपना खुद का स्टेटस रखता है, ठीक है। बेरेंजर जीन नहीं बनना चाहता, जीन बेरेंजर नहीं बनना चाहता, तो ये सेल्फ वर्थ वाली बात है, समझ रहे हो। एक पहचान है अपनी और जिसे आप कभी भी खोना मत, मेरे हिसाब से तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आप सिविल सर्वेंट वगैरह बनना चाहते हो तो मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ो इसको, ठीक है।
और इज इट फ्रॉम समथिंग ग्रेटर, समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड करेजियस, समथिंग दैट बेरेंजर फाइनली डिस्कवर्स। तो ये सेल्फ वर्थ वाली बात क्या सब में है, सभी करेक्टर में थी? अगर हम बात करें बेरेंजर से लेके डेजी से लेके डूडार्ड जीन, जितने भी करेक्टर्स थे इन्वॉल्व स्टोरी में, क्या सभी के अंदर सेल्फ वर्थ वाली बात थी? हाँ थी, सभी के अंदर थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले सब जब राइनोसोरस में तब्दील हो गए तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फील हो जाता है। सिर्फ एक बेरेंजर ऐसा बंदा था जिसमें सेल्फ वर्थ वाली बात रह गई थी, इसने पूरा पूरा ये अगेंस्ट में रहा, इसने बोला मैं घुटने नहीं टेकूंगा तो नहीं टेकूंगा, मैं नहीं बनूंगा राइनोसोरस, तो आई विल नॉट कैपिटुलेट, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो सेल्फ वर्थ वाली जो एक एथिकल एक प्रिंसिपल है, आपको लाइफ अगर जीना है तो आप अपने तरीके से जियोगे, लोग आपको क्या बोलेंगे, हंसेंगे रोएंगे आपके ऊपर ताना पास करेंगे, डजंट मैटर, आप अपनी तरीके से जियो लाइफ, दैट इज सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ, ठीक है। और आपको ये चेंज, आपको ये चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज लेना ही पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, जैसे कि बेरेंजर ने लिया, उसने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से चैलेंज लिया कि मैं नहीं चेंज होऊंगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपके अंदर एक करेज होना चाहिए अगर आप सेल्फ वर्थ डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, करेज होना चाहिए कि हाँ मैं लड़ पाऊंगा दुनिया से अकेला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉल्स लॉजिक, नेक्स्ट थीम, मैंने आपको बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवरीथिंग कर दो आप। फॉल्स लॉजिक, अब फॉल्स लॉजिक क्या होता है, देखो कभी भी ब्रेन वॉश करने के लिए, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का अपनी इंडिविजुअलिटी, उनको उनकी इंडिविजुअलिटी को हर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब किसी को भी अगर अंधभक्त बनाना हो तो उसके उसको फॉल्स लॉजिक सिखाओ, उसका ब्रेन वॉश करो। अब ब्रेन वॉश कैसे करोगे, फॉल्स लॉजिक के थ्रू से। आप ये चीज़ ऐसे समझिए, आप कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, अब जैसे बहुत सारा फैल रहा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, ऐसे करेक्ट आ गए हैं चैनल जो कोई किसी चीज़ को फेवर कर रहा है, कोई किसी चीज़ को फेवर कर रहा है, और सच वाली बात जो है रख ही नहीं रहा लोगों के सामने, ठीक है। लोग फॉलो कर रहे हैं फिर उसके अंदर, उसके बाद जो है हेट बढ़ रहा है इंडिया में, आप देख सकते हो उसका नतीजा, ठीक है। तो लॉजिक जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जिसमें फॉल्स लॉजिक पेश किया जाता है लोगों के सामने, तो आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगी, लॉजिशियन के द्वारा। लॉजिशियन आपको एक करेक्टर मिलेगा आपको इसी नोवेल इसी प्ले में, जिसमें ये बोलता है कि अगर जिसकी जितने भी जिसके चार पाँव हैं पंजे हैं वो सभी कैट होते हैं, क्या सभी कैट होते हैं आप खुद बताओ। लेकिन करेक्टर्स में करेक्टर्स कुछ ऐसे हैं स्टोरी में, जैसे ड्यूडर्ड वो मान लेता है, मतलब वो बहस करने लगता है कि हाँ जितने भी जनरल होते हैं वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स आपको मिलेंगे जो कि फॉल्स लॉजिक देते हैं, जैसे ड्यूडेट बोलता है कि प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जितने भी जनरल होते हैं वो सारा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये बात कब हुई थी, ये जनरल वाली बात तब हुई थी जब गेंडा आया था ना शहर में, तो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, तो इसी बात को ड्यूडेट पढ़ के बोलता है कि शहर में गेंडा हो ही नहीं सकता, ये जनरल जो है पागल बना रहे हैं लोगों का, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सिमिलरली लॉजिशियन बोलता है कि सभी जितने भी जिनके चार चार पंजे हैं वो सारे कैट हैं। तो ये चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए हेल्प करती हैं। तो क्या आप खुद बताओ, क्या सारे जर्नलिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? नहीं। क्या सारे जितने भी जिनके पाँव हैं चार पाँव हैं क्या वो कैट बन जाएंगे? नहीं। लेकिन ये फॉल्स प्रोपेगेंडा एक फैलाने का तरीका होता है जिसके थ्रू से जो है ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, नाजिज्म हिटलर के टाइम पे। हिटलर ने लोगों का ब्रेन वॉश किया, लोगों को ये बताया कि जूस खतरनाक है, जूस को मारो, और मारने लगे। जूस के खिलाफ किसी ने फिर आवाज़ भी नहीं उठाई। अब ये बताओ, अगर अपने देश में भी जैसे अब हेट फैल रहा है, अब पता ही है दो कम्युनिटी के बीच में हेट फैलाना कितना आसान है, ठीक है, तो हेट फैला रहा है कोई भी, तो वहाँ पे लोग इंडिविजुअलिटी के अगर बारे में बात करने लगे तो मैं गारंटेड 100% श्योर हूँ कि कभी भी देश में दंगे नहीं होंगे। लेकिन दंगे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी इंडिविजुअलिटी पे चल ही नहीं रहे, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है प्रोपेगेंडा फैला के, उसके बाद लोग निकल आते हैं सड़कों पे, क्या लेके, पत्थर वगैरह वगैरह लेके, ठीक है। तो ये जो कट्टरपंथा है ये आपको देख सकते हो, आप लिंक कर सकते हो इवन दो इंडिया के साथ भी, अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में, प्रॉब्लमेटिक अथॉरिटी। अब देखो अगर अथॉरिटी ही गंदी हो, लेट्स से कि अगर कोई स्कूल है उसमें प्रिंसिपल ही ऐसा हो जो कि बिल्कुल ही गया गुजरा हो, तो उसकी स्कूल का क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको अगर आपको नाजीज़म में लिंक करना हो, हिटलर ही एक ऐसा बंदा था, ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर था जिसने पूरा कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, लोगों की आज़ादी वगैरह सब कुछ छीन लिया था। तो आप खुद बताओ पूरा प्रशासन कैसा होगा, अगर अथॉरिटी ही गंदी होगी तो पूरा का पूरा जो है देश कैसा होगा, तो वो भी गंदा ही होगा। तो आपने देखा ही था नाज़ीज़्म के जर्मनी के लोगों ने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई जब ज्यूज़ को मारा जा रहा था, तो
आवाज तो उठाना चाहिए था उनको, ठीक है। तो यही है प्रॉब्लमेटिक अथॉरिटी है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ये क्या नाम है, बेरेंजर डेजी वगैरह जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे जो हेड होता है वो पेपलन होता है, पेपलन वहाँ का हेड होता है। तो पेपलन भी यहाँ तक की चेंज हो जाता है किसमें, गेंडों में। तो बाद में सारे इसके एम्प्लॉयज यहाँ तक की चेंज हो जाते हैं गेंडे में, राइनोसोरस में। तो ये प्रॉब्लमेटिक अथॉरिटी की भी एक बात है कि आपकी अथॉरिटी कैसी है, डजेंट मैटर। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को फॉलो करो, आपको ये चीज़ यूपीएससी में मिलेगी। जब आप सिविल सर्वेंट वगैरह बनोगे ना, तो आपको हाईएस्ट पोस्ट में मिलेंगे ऐसे करेक्टर जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप बने रहते हो तो बिलीव मी बहुत आगे जाओगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट थीम लव। लव लव क्या है, लव का तो कॉन्सेप्ट देखो आसान है, इतना कुछ है नहीं इसमें। लव आपको कहाँ मिलेगा, डेजी और बेरेंजर के बीच में। मैंने आपको बताया था बेरेंजर जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बट लास्ट में इनकैपेबल हो जाता है। क्यों, डेजी भी जिद करने लगती है राइनोसोरस में बदलने की, और वो बदल भी जाती है। तो यहाँ पे जो है फिर भी बेरेंजर खड़ा रहता है, अपने करेजियस स्टेप लेता है, खड़ा रहता है, वो नहीं चाहता कि मैं भी एक राइनोसोरस बन जाऊँ। सिमिलरली अगर आप देखोगे, एक और आपको रोमांटिक कपल मिलेगा इसी स्टोरी में, मिस्टर बेओफ एंड मिसिज बेओफ। अब ये कौन है, तो मिस्टर बेओफ और मिसिज बेओफ आपको दो करेक्टर मिलेंगे। तो ये मिस्टर बेओफ कौन है, ये आपको बेरेंजर जहाँ पे काम करता है ना, वहीं पे एक एम्प्लॉय था ये भी, ठीक है। तो मिसिज बेओफ उसका लेटर लेके आती है कि मेरे हस्बैंड जो है तबीयत ख़राब है उनकी, तो अभी वो काम पे नहीं आएंगे। पेपलिन को बोलते हैं, पेपलिन कौन, जहाँ पे बेरेंजर का जो है हेड है, जहाँ पे ऑफिस का हेड है, ठीक है। तो इसी बीच में बेओफ देखती हैं कि उनका हस्बैंड जो है गेंडे में तब्दील हो गया, वो भी फिर गेंडे में बन जाती है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने लव वन को बहुत ही ज़्यादा चाह रहे हो, ठीक है आप चाह रहे हो, लेकिन चाहत में कुछ ऐसा मत कर दीजिए आप कि आप उन्हीं की तरह बन जाओ। आप अपने देश से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे देश के खिलाफ जहर भरना, दैट इज़ नॉट गुड, जो कि जर्मनी ने किया, ठीक है, जर्मनी ने किया, जो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो आप चाहे कितना ही प्यार करते हो अपने देश से, लेकिन आपको दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, एज अ ह्यूमन सोचना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल चीज़ नहीं सोची गई जर्मनी के लोगों के द्वारा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं नोवेल की बात करूँ, मतलब इस प्ले की बात करूँ, तो मिसिज बेओफ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड एक गेंडे में तब्दील हो गए हैं और मैं ना बदलूँ। उन्होंने आप अपने प्यार को फॉलो किया, अपने प्यार को फॉलो किया, और वो खुद भी गेंडे में तब्दील हो गई, जो कि ये शो करता है कि आप अंध भक्त मत बनो, प्यार में अंधे मत हो जाओ। आप चाहे किसी से कितना ही प्यार करो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी पे अटैक मत करने दो। अब ये बंदा या फिर ये जो मिसिज बेओफ थी, मिस्टर बेओफ को देख के गेंडे में तब्दील हो गई। तो क्या आप ये बात समझिए कि अगर कोई, मान लीजिए कोई थीफ है, उसका हस्बैंड जो है, मतलब मान लीजिए उसकी जो वाइफ है, उसको पता है कि मेरा हस्बैंड जो है एक चोर है, चोरी करके जो है पेट पालता है, ठीक है। लेकिन अगर वही वाइफ अगर आवाज़ खड़ी कर दे अपनी, ठीक है, विद्रोह कर दे अपने हस्बैंड के खिलाफ ही, तो हो सकता है कि उस बंदे को कुछ साल सजा मिलके जेल वगैरह में जाके, हो सकता है कि वो बंदा सुधर जाए। लेकिन अगर वही वाइफ अगर सपोर्ट करती है उस काम को, तो यू कैन सी कि क्या होता है फिर तो समझ ही जाओ क्या होता है ना। तो ये सेम चीज़ है, मिसिज बेओफ कैन कंट्रोल, लेकिन करा नहीं उन्होंने, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी मिलेगी कि प्यार भी जो एक थीम है इस नोवल में, कि प्यार का ऐसे मत हो जाइए, प्यार के चक्कर में अंधे मत हो जाइए कि आप भूल जाओ कि क्या सही क्या गलत है। उसके बाद हम देखेंगे बेरेंजर के बारे में, बेरेंजर वर्सेस जीन। देखो ये चीज़ बहुत आपको मिलेगी, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द नोवल में बताया था कि एक इंडिविजुअलिटी के इनके बीच में लड़ाई होती है, दोनों के बीच में सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। रहन सहन बिल्कुल ही अलग है, वैसे तो बेरेंजर गंदा रहता है, जीन साफ सुथरा रहता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। घर वगैरह इनका सब कुछ सेम था अगर आपने नोवल पढ़ी होगी तो। बट एक चीज़ याद रखिए, बेरेंजर जो है सेल्फ वर्थ का मालिक है, इसके पास इंडिविजुअलिटी है, लेकिन जीन के पास नहीं है। जीन तब्दील हो गया था गेंडे में, बेरेंजर नहीं हुआ। तो ये आप एक थीम है, नोट कर लो करना चाहते हो तो। एब्सर्डिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है। एब्सर्डिटी आप ये बोलोगे, अगर आपने नोवल्स, अगर मैंने इतना सारा आपको नहीं बताया होता, तो आपने ये सोचा होता ना अभी तक कि यार गेंडे में तब्दील हो रहे हैं, पागल है क्या लोग सारे। एब्सर्डिटी है, बिल्कुल बेतुकी सी बातें हैं, लोग गेंडे में तब्दील हो गए कैसे हो गए, साइंस वाइंस नहीं है क्या, कभी साइंस नहीं पढ़ी आप लोग ये सोचोगे। बट ये चीज़ समझ रही है कि नोवल को लिखने का रीज़न क्या था, एक मेटाफर किस तरह इस्तेमाल किया गया है ना गेंडे को। इन्होंने तो नहीं बोला कि सच में गेंडे में चेंज हो गए, ठीक है नोवल में बोला गया है, दिखाया गया है, बट मेटाफर समझिए कि आईएनएस को इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप वो फिगर मत बन जाओ उस गेंडे की तरह, उस हिटलर की तरह मत बन जाओ, इंडिविजुअलिटी को फॉलो करो, ह्यूमन बनो, ठीक है।
तो एब्सर्डिटी आपको पूरा मिलेगा इस नोवेल में। आपको एक बहुत ही बड़ा थीम है एब्सर्डिटी का। भले ही आपको लगे कि एब्सर्ड है सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं आपको एट द बैक पूछूं क्या ये नोवेल लिखने का पर्पज़ एब्सर्ड है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? इसने सच्चाई शो करी है सोसाइटी की कि सोसाइटी कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी को भूलती जा रही है, अपने अथॉरिटेरियन रेजाइम को, जो कि रेजिम है, उसको फॉलो करने लगती है, उसकी बातें मानने लगती हैं बिना अपना लॉजिक लगाए। तो किसी भी नेशन में अगर डेमोक्रेसी बचा के रखनी है ना, तो आपको अंधभक्त बनने से बचना होगा। ये चीज़ें आपको इस नॉवल में मिलेंगी। तो एब्सर्डिटी का काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पे, आप पढ़ लेना। वैसे तो ये नॉवल जो है, ये आपको पूरी की पूरी जो है ये PDF मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, लिटरेरी माइंड टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फासिज्म। फासिज्म क्या होता है ये समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1945 के मतलब 40 to 45 के बीच, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है ये चीज़ उभर के आई थी, फासिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से। रीज़न, फासिज्म का इस मतलब क्या होता है पहले ये समझो आप। फासिज्म का मतलब होता है इतना ज़्यादा राइट हो जाना किसी चीज़ के बारे में। आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी डेमोक्रेसी में दो चीज़ें होती है, एक लेफ्ट एक राइट विंग, लेफ्ट विंग राइट विंग, ठीक है। NSUI ABBP सुना होगा आप लोगों ने, ये सारा कुछ चलता ही रहता है, ठीक है, हर एक देश में मिलेगा। तो दो टाइप की विंग होती हैं, जो कि एक देश के प्रति झुकाव होता है जिसका, और एक देश के प्रति झुकाव होता है बट थोड़ा सा होता है, एक ज़्यादा ही होता है झुकाव जिनका, ठीक है। फासिज्म, तो फासिज्म होता है फार राइट अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म करेक्टर शो करने वाला डिक्टेटर पावर। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि डिक्टेटर पावर, कुछ दिनों पहले टाइम्स मैगजीन में आपको एक मोदी की आपको मिली होगी, जिनको टाइम्स मैगजीन में मोदी की फोटो छपी थी नरेंद्र मोदी की, जिसमें ये बोला गया था कि एक फासिस्ट है, फासिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बोला गया था, एक टाइटल दिया गया था इनको। तो फासिज्म का मतलब होता है कि इतने ज़्यादा फार राइटेड हो जाना कि आप जो है एक डिक्टेटोरियल पावर शो करने लग जाना, मतलब इतना ज़्यादा लोगों को नेशनलिज्म उनके बीच में भर देना और खुद इतना पावर ले लेना कि लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने लग जाए और वो अंधभक्त बन जाए, और आप लोग, आपको एक ऐसा करेक्टर माना जा मतलब माना जाने लगे कि आप लोग, आपने जो है लोगों का ब्रेन वॉश किया है, तो वो कहलाता है फासिज्म। मैंने बिल्कुल डीप में समरी ये आपको बताया है इसका। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी है, कुछ लोग अब फासिज्म को अच्छा मानेंगे कि यार ये तो देशभक्ति भर देती है इंसानों के बीच में, ठीक है। लेकिन कमी कहाँ जाती है? कमी आ जाती है फिर अगर पूरा अंधभक्त अगर हो गए ना आप, तो फिर वो जो अथॉरिटेरियन पावर है ना, जो कि रिजिम में सबसे ऊपर बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, फिर वो आपको लूट खाएगा, आपकी जो है इसी लाचारी का फ़ायदा उठाएगा वो। तो ये प्रॉब्लम करती है। तो सबसे बड़े एग्जांपल तो यही दोनों ही थे मैंने आपको बताया था। ये फ़िलहाल तो आपके हिटलर हैं, जो कि सबसे बड़े जो हैं खतरनाक कह लो आप, जिन्होंने फासिज्म का पूरा गलत उपयोग किया। फासिस्ट इसलिए बोला जाता है इनको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है, ताकि अपने एम्पायर को बड़ा किया जाए, अपने इसको पावरफुल बनाया जाए, सक्सेसफुल बनाया जाए ज़्यादा। तो वैसे तो फासिज्म का इस्तेमाल होता है, आप कहते हो कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बट एट द बैक ये चीज़ आ जाती है कि वो इंसान ना फिर आपको पागल बना के गद्दी का फायदा उठाने लगता है, ठीक है। तो कभी भी डेमोक्रेसी को बचाना है तो फासिज्म का जो है विचारधारा उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। बहुत सारी विचारधाराएं हैं नेशनलिज्म के बारे में अगर आप पढ़ोगे, तो जैसे मार्क्सिज्म है वगैरह वगैरह, कम्युनलिज्म है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए किसी भी स्टेट में, ठीक है। बड़े आगे हम जानेंगे अब एब्सर्डिटी के बारे में और पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, जस्ट एज अ नॉलेज, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अब हम देखेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का अगर आप ट्रांसलेशन करो हिंदी में तो इसका मतलब उभर के आता है बेतुका, जिसका सिर पैर कुछ नहीं हो, कहीं की बात कहीं पे कुछ बोल देना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या हो सकते हैं? आपका कैरेक्टर भी एब्सर्ड हो सकता है, आपकी बातें एब्सर्ड हो सकती है, आपका थिंकिंग एब्सर्ड हो सकता है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने आपसे पानी मांगा और आप जो है खाने के बारे में बताने लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्सर्ड, ठीक है। कैरेक्टर वगैरह कुछ भी एब्सर्ड हो सकता है। तो देखो ये एब्सर्ड की जो थीम है ये कहाँ से आया, आप मान के चलो कि पहले जो है शेक्सपियर के टाइम की बात कर रहा हूँ, 1600 कुछ के टाइम पे। तो अब क्या है, उस टाइम पे ज़िंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस टाइम पे कि विमेन जब राइटर सुधरेंगी तो एक फेमिनिस्ट राइटिंग भी उभर के आएगा सोसाइटी में, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस टाइम पे। तो फेमिनिस्ट राइटिंग जो है उभर के आई, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वाले जैसे थे, वो बहुत सारे ऐसे राइटर्स उभर के आए सोसाइटी में, ठीक है। तो एक ऐसा ही ट्रेंड चलता है। आपने कभी रोमांटिक सुना होगा, अगर 1600 की बात करो तो शेक्सपियर ने कभी सोचा नहीं होगा कि रोमांटिक लिटरेचर आएगा, आगे आएगा विक्टोरियन लिटरेचर आगे आएगा, तो ये कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक ट्रेंड चलता रहता है लिटरेचर में। तो ऐसा ही जो एक ट्रेंड आया एब्सर्डिटी का, आपने लुईस कैरोल की पोएम्स पढ़ी होंगी जिनके सिर पैर कुछ नहीं होते, ठीक है।
तो ऐसे ही जो है एब्सर्डिटी का भी जो है एक ट्रेंड आया, कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ राइटर्स जिन्होंने सोचा कि हम ऐसे ड्रामा लिख सकते हैं जो कि एब्सर्ड हो, लोगों को पसंद आएंगे। तो ऐसे ही जो है सबसे पहला इसका कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एल्बर्ट कैमस ने जो है कैसे लिखी थी द मेथ ऑफ सिस्विस नाम से 1942 में, नोवल 1959 में लिखी गई है, कॉन्सेप्ट 1942 में आया। तो इन्होंने जब पढ़ा, कुछ ड्रामेटिस्ट ने जो कि यूरोप के थे और अमेरिकन थे, तो उन्होंने पाया 1950 के आसपास पाया और 60s के आसपास, वो उन्होंने माना इस बात को जो उन्होंने लिखा था एल्बर्ट कैमस ने कि ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो कुछ नहीं है, इज एक्चुअली एब्सर्ड। ह्यूमन का जो सिचुएशन है अपने लाइफ में, आता है, जीता है लाइफ को, कमाता है, खाता है, मर जाता है, तो ये दैट इज़ यूजलेस, असेंशियल नहीं है, नॉन असेंशियलिस्ट है, डिवॉइड है, पर्पस का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इन्होंने अपने ऐसे में बताया, जो कि इसको देख के लोग प्रभावित हुए और इन्होंने अपने इसी में बताया था कि लाइफ जो है ह्यूमन का एब्सर्ड है, ठीक है, होपलेसली आता है, बिना पर्पस के आता है, बिना पर्पस के फिर चला जाता है, इनके हिसाब से, एल्बर्ट कैमस के हिसाब से। तो कुछ जो प्रभावित हुए थे ड्रामेटिस्ट, उन्होंने फिर ऐसे नॉवल्स लिखना स्टार्ट करी, ऐसे ड्रामास लिखने जो है स्टार्ट किए, और फिर ये जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है सामने आया। तो आप इस नॉवल में देख लो, चाहे तो एब्सर्डिटी देखने को मिल जाएगी आपको, राइनासोरस बन जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, अगर आप 21st सेंचुरी में हो तो आप ये सोचोगे ना कि इंसान या राइनासोरस कैसे बन जाएगा, ये क्या पागलपंती वाली बात कर रखी है प्ले राइट ने, ठीक है। तो ये दैट इज़ एब्सर्ड, एक्चुअली आपको लगा होगा एब्सर्ड है, बट अभी देखेंगे इसके बारे में पूरा, अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि रियली में ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जो थे, जैसे हरोल्ड पिंटर एंड फ्यू अदर्स, शेड अ पेसिमिस्टिक विजन ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ लोगों ने कहा नहीं यार, हम नहीं बिलीव करते इस पे, ये आपके एब्सर्डिटी वाले पॉइंट पे। कुछ लोगों ने माना कि लाइफ में होप होती है, लाइफ में एक पेसिमिस्टिक विजन होता है, हम किसी पर्पज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन लाइफ पूरा ऐसा ही है, फेलियर है या फिर एब्सर्ड है, नहीं, इन्होंने इस बात को माना कि नहीं है ऐसा। जो ड्रामेटिस्ट जिन्होंने माना इस बात को, किस बात को, कि एब्सर्डिटी एग्जिस्ट करती है लाइफ में, वो कौन कौन थे, तो कौन कौन से हैं वो जिन्होंने इसको माना कि एब्सर्ड है बिल्कुल ह्यूमन लाइफ, सैमुअल बेकेट, यूजीन आयोनेस्को, जिनकी नॉवल मतलब प्ले अभी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जीन जेनेट, आर्थर एडामो, और इन सब ने माना, और हैरोल्ड पिंटर जो थे इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पेसिमिस्टिक विजन है लाइफ में, आप जो चाहते हो आप अपने गोल को पूरा करते हो, लाइफ जीते हो अच्छे से, हाँ वो अलग बात है हम मर जाते हैं, बट अपना गोल पूरा करके मरते हैं ना, अगर हमने कोई गोल ले रखा है तो जिसके पास गोल है वो तो फिर नहीं है, वो फिर तो उसकी लाइफ एब्सर्ड नहीं है, किसी काम के लिए आया, किसी पर्पज के लिए आया। तो एक डिबेट तो हमेशा चलती रहती है कि लाइफ अपनी एब्सर्ड है कि नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये टाइप के जो है आपको मिलते रहेंगे। एब्सर्ड का जब भी कॉन्सेप्ट आया 42 के बाद, 50s 60s के बाद, तो काफ़ी चला ये मार्केट में, ठीक है, काफ़ी नॉवेल्स लिखी गई। आप गोडोट देख लो, अगर आपने इसी सिलेबस में ही है वैसे तो, ये फिर भी आपने अगर पढ़ा होगा वेटिंग फॉर गोडोट, उसमें दो बंदे वेट करते करते ही मर जाते हैं किसी का, मतलब ख़त्म हो जाती है नॉवल ही, ऐसे ख़त्म हो जाती है। वेटिंग फॉर गोडोट में 1952 में लिखा था, मर नहीं जाते सॉरी, तो 1952 में जो नॉवल लिखी थी वेटिंग फॉर गोडोट, उसमें दोनों बंदे वेट ही करते रहते हैं किसी का। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे, मतलब टाइम का बिना सोचे व्यर्थ करे जा रहे हैं टाइम को, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, वेट कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो कितनी बेतुकी चीज़ है ना, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिली होंगी। तो ये बेकेट ने जो है लिखी थी वेटिंग फॉर गॉडोट 1952 में, 42 में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट आया था। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स फिर उभर के आए, ड्रामेटिस्ट उभर के आए, जिन्होंने इस थीम के ऊपर काम किया, लिखा, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, हाँ चलो मैं पहले बता देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। और लैंग्वेज क्या है एब्सर्ड प्ले की, अगर लैंग्वेज इसकी बात करें तो एक क्लिंचिस से भरी होती है, पंस होते हैं, पन डबल मीनिंग बातें कह लो आप, रिपीटिशंस होती हैं, नॉन सेक्यूटर्स होते हैं, द करेक्टर्स इन आयोनेस्को, देखो कहने का मतलब ये है कि बेतुकी बातें होती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, एक ही बात को घुमा फिरा के रखा जाता है सामने और एक डिबेट छिड़ती रहती है, बेतुकी डिबेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, यही चीज़ जो है एब्सर्ड प्ले को एक एब्सर्ड बनाती है रियल में, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा, डायग्रेशन वाली नॉवेल्स पढ़ी होंगी, जैसे ट्रिस्टम सैंडी पढ़ी होगी, तो सबका एक खूबी होती है, और वो चीज़ अगर उस नॉवेल में होंगी तो ही लोग पढ़ेंगे। अब सबको फेरी टेल्स तो पसंद नहीं आएंगी ना, ठीक है। तो नॉनसेंस लिटरेचर का जैसे पार्ट था लुइस कैरोल वाली पोएम्स वगैरह आपने पढ़ी होंगी कभी,
ठीक है, तो यही सारी ये बातें बता रखी है कि सारा जो है लैंग्वेज एब्सर्ड होता है, बिल्कुल ही से पैर नहीं होता, अनरूली होती हैं सारी चीज़ें, रिडिकुलस, पर्पजलेस। कोई जो बातचीत होती है नोवेल में या फिर प्ले में करेक्टर्स के बीच में, वो भी बेतुकी होती हैं। आप ये बताओ, ये जो बैरेंजर और जीन के बीच में जो बातें हो रही थी कि दो सींग हैं कि नहीं राइनोसोरस के, तो बेतुकी बातें हैं ना, क्या लेना देना इससे, हैं कि नहीं है, हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सप्रेसनिस्ट स्कूल्स एंड द राइटिंग्स ऑफ। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है कि अब 1960s के साथ, मतलब आता जैसे ही 1960 का मिड, ये लो मिड 20th सेंचुरी बोला जाता है, तो 1960 के पास आते आते ही जो है एब्सर्ड प्ले जो है डिक्लाइन होने लगे। मैंने कहा ना, सबका एक टाइम पीरियड होता है। सारी चीज़ें, सारी मूवीज़, 90s की मूवीज़ अगर अभी चला दो तो वो नहीं चलेंगी, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो सबका एक टाइम होता है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो गया एब्सर्ड प्ले लिखने का। लेकिन एक बार ये देख लो, और ये किस टाइप की, सरलिस्ट, एक्सटेंसिलिस्ट एंड एक्सप्रेसनिस्ट स्कूल्स। देखो, बेतुकी बातें जिनका कोई पैर सिर नहीं होता, वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी, ये सारी आइडियाज़ आपको मिलती हैं देखने को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, या फिर एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, क्या रियली में एब्सर्ड मिला आपको इस नोवेल में? हाँ, आपको मिला होगा ये बेतुकी बातें सुन के कि सारे राइनोसोरस में चेंज हो गए, बट मैं ये पूछता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट गंदा था, या फिर कॉन्सेप्ट जो दिखाना चाहता था आईएनएस को, जो प्ले राइट हैं वो दिखाना चाहते थे कि रियली में हम उस जैसे ना बन जाएं, उस राइनोसोरस जैसे ना बन जाएं, मंदबुद्धि ना बन जाएं, ब्रेन वॉश ना करवा लें अपना, कि किसी सुपर पावर को अपने ऊपर हावी होने दे दें, एक डेमोक्रेसी वाले स्टेट में एक हिटलर पैदा हो जाए, तो क्या ये कॉन्सेप्ट एब्सर्ड था? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्सेप्ट एब्सर्ड नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये पॉइंट आप लिख सकते हो एग्जाम में। हम देखते हैं हम उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 क्या है, अलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा लोग जो है शामिल हुए थे, 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है शामिल हुए थे, डायरेक्टली 30 कंट्रीज़ के लोग थे ये सारे। ठीक है, काफ़ी फैटलिटीज़ हुई, कुछ हिटलर जैसे पैदा हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, कुछ हिटलर जैसे पैदा हुए, कुछ होलोकास्ट हुआ लोगों का, बॉम्बिंग हुई, न्यूक्लियर वॉर वगैरह वगैरह हुआ था, तो ये सारा कुछ था जिसके कारण कुछ ऐसे प्ले राइट्स उभर के आए जिन्होंने आंखें खोलने के लिए सोसाइटी में काम किया, क्योंकि उनको डर लगने लगा था, क्योंकि आज अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है, कल अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो क्या होगा। तो उन्होंने, इन्हीं प्ले राइट्स ने जो है इस चीज़ को उभारने की कोशिश करी समाज में, कि आप जो सोच रहे हो ना कि दूसरे को मार लें, काट लें, पावर का गलत इस्तेमाल कर लें, तो ये एब्सर्ड है, आप लाइफ जी नहीं रहे फिर, इसका मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये सारी चीज़ें एब्सर्ड हैं। आप आए हो, लाइफ को जियो, जी के चले जाते हो, ये सारा कुछ एब्सर्ड है। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक चीज़ और है आपके लिए, मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि मैंने इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन पे, टेलीग्राम ऐप आता है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसमें अराउंड 230 मेंबर्स हैं अभी। ठीक है, नया बनाया था मैंने चैनल, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी PDFs मिलेंगी, बहुत सारी PDFs हैं यहाँ पे, देख सकते हो। देखो, मैंने बहुत सारा कुछ डाल रखा है राइनोसोरस के ऊपर, डाल रखे हैं बहुत सारी PDFs, और जो ये PDF भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों तक तो इस चीज़ को शेयर करना है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप वोकेबलरी को अपने बढ़ाना चाहते हो, वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हो, एक मिनट, हाँ, तो आप जो है वोकैब विद लिटरेरी माइंड चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दो चैनल है मेरे, पहला ही वाला चैनल लिटरेरी माइंड यूट्यूब आपको मिल जाएगा, आप सर्च करना, 230 मेंबर है फिलहाल इसमें। और अगर वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हो तो वोकैब विद लिटरेरी माइंड आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा चैनल, 25 मेंबर से इसमें फिलहाल। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जो है शेयर करना, आप सपोर्ट कर सकते हो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा जो है अपने दोस्तों तक अगर शेयर कर दो तो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप चाहते हो। बाकी नंबर वो क्या था मेरा, 8383018454। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें। मेरे चैनल से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। पढ़िए, मेहनत कीजिए, सिविल सर्वेंट बनिए, अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचिए। ठीक है, कभी भी किसी बहकावे मत आइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।